रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूं दोबारा, ठीक है। अब आपने इस कंट्रोल ए इसको कॉपी किया, अच्छा, और फिर आपने क्या किया कि इसको हमने हम जाना एन सी बी आई सी डी डी में, ठीक है। अब आपने यहां इसको पेस्ट करना है, और इसमें आगे हमने पी फैम लिख देना, इधर इसको सबमिट करवा दो। अब ये एक फाइल आएगी, हेलो जी बच्चों। अब हमने क्या करना है कि इसका ना ये इसको साइज में इसको डाउनलोड कर लेना है, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो इस हिट डेटा वाली फाइल को फिर हमने इसके अंदर से टीवी टूल के अंदर इसको दोबारा से हम ग्राफिक्स में जाके ये बायोसिक्वल स्ट्रक्चर व्यू में जाके हम इसको एनसीबीआई सीडीडी में लिखेंगे, और ये जो हमारी क्विक डाटा वाली फाइल है ना इसको हम इधर जाके ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम इसी की फास्टा फॉर्मेट जो है वो हम इसी की हम फास्टा फॉर्मेट में जो हमारी रीनेम फाइनल हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये फिगर्स आ जाएगी। अब इसके मुताबिक अब हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं जिसके अंदर ये, अच्छा अब ये देखेंगे जो पहली वाली है ना उसके अंदर सिर्फ हेलिकेज सी है, DCL4 इज नॉट आर DCL। 3 वाली के अंदर भी सिर्फ डेड है और हेलिकेज सी है, जिसके अंदर ये तकरीबन एटलीस्ट ये देखो ना पहली तो तीन तो ये चार पांच छह सात आठ नौ, ये वाली आप DCL44 जो है ना ये वाली आपकी DCL है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। और 34 वाली है, ठीक है। और इसके अलावा वही यू आर राइट, ओनली 3 है। मेरी बात की समझ आ गई? ओनली जी 3 सीक्वेंसेस दैट हैज ऑल द डोमेन्स, इट मीन वो आ वाला तरीका भी ठीक है डीसीएल को आइडेंटिफाई करने का। बच्चों आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी सर, जी सर, रजा, शुएब, जी सर, आवाज आ रही है, है, समझ भी आ रही है। सर आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, जी सर आवाज आ रही है आपकी, एक मिनट नेट मैं इसको ना बंद है। दोबारा से एक्टिवेट करता हूं, मुझे लगता है आवाज सही नहीं आ रही सबकी।